और किसान आंदोलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़े रुख के बाद केंद्र से सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कोर्ट से कहा है कि प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है। कृषि मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया कि प्रदर्शनकारियों में ये गलत धारणा है कि केंद्र सरकार और संसद ने कभी भी किसी भी समिति द्वारा परामर्श प्रक्रिया का पालन करते हुए मुद्दों की जाँच नहीं की है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि कानून जल्दबाजी में नहीं बना है, बल्कि ये दो दशकों के विचार विमर्श का परिणाम है। देश के किसान खुश हैं क्योंकि उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए मौजूदा विकल्प के साथ एक अतिरिक्त विकल्प भी दिया गया है। इससे साफ है कि किसानों का कोई भी निहित अधिकार इन कानून के जरिए छीना नहीं जा रहा है। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए किसानों के से साथ जुड़े पूरी कोशिश की है और किसी भी प्रयास में कमी नहीं की है। दिल्ली की सरहद पर पिछले 47 दिनों से जमे प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की मंशा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की इस अर्जी पर सुनवाई कर सकता है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।